जहाँ पहले कोरोना के कारण लोग मर रहे थे, वहीं अब एक नया सर्वर बना हुआ है, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, या ब्लैक फंगस भी जिसे आप कह सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया या कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने के क्या रीज़न है। आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाय, मैं नितिन, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने के क्या कारण है। जैसा कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि पुरानी ही है, पर पहले रेयर हुआ करता था। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने का एक रीज़न ये भी होता है कि जब डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल हो या ज़रूरत से ज़्यादा हो, यानी कि डायबिटीज़ बढ़ा हुआ हो, आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, आपके कोई बॉडी में कोई पार्ट्स का ट्रांसप्लांट हुआ हो जैसे किडनी या कुछ भी, या कैंसर के कीमोथेरेपी चल रही हो, तभी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और आज के डेट में देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की मात्रा यानी कि संख्या ज़्यादा बढ़ गई है मरीजों की, खास करके जो कोरोना से पीड़ित है उनमें यह लक्षण ज़्यादा देखने में मिल रहा है। इसका एक रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न एस्टेरॉइड है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने के कारण हैं, बात करते हैं। अकेले एम्स में इसके 20 से ज़्यादा पेशेंट है और कई राज्य ऐसे भी जहाँ 400 से 500 ज़्यादा पेशेंट है। और झारखंड और बिहार की बात करें तो डॉक्टर्स यहाँ के सबसे ज़्यादा सहमे हुए इसलिए है क्योंकि यहाँ भी 4 से 5 ज़्यादा मरीज आ चुके हैं ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के, और उनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। अगर डॉक्टर गुलेरिया की बात करें तो उनका ब्लैक फंगल इन्फेक्शन नाक, आँख, गला और फेफड़े में अटैक करता है। नाक में नाक से खून आना या फिर साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी या माइग्रेन में भी तब्दील हो जाता है, और गले का सूखना या फिर गले का इन्फेक्शन होना, और अगर छाती में आ जाए यानी कि फेफड़े में आ जाता है तो छाती में दर्द होता है, पसलियों में दर्द होती है, तेज़ दर्द होता है, बुखार होता है, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार स्टेरॉइड है इसका सबसे बड़ा रीज़न। जी हाँ, यानी कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो और वो कोरोना पेशेंट भी हो, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में या फिर किसी भी मात्रा में स्टेरॉइड का सेवन दिया जा रहा है, उसमें भी तब जब उसे ऑक्सीजन नहीं चलाई जा रही हो या आईसीयू में नहीं हो, यानी ज़्यादा सीरियस नहीं हो, तो उसमें स्टेरॉइड देना सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और उसमें वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का रीज़न भी बन सकता है। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार जिनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो यानी कि सही हो, तो उन्हें स्टेरॉइड देना फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है। कहाँ कहाँ अटैक करता है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, तो विशेषज्ञों के अनुसार यानी कि एक्सपर्ट के अनुसार ब्लैक फंगल इन्फेक्शन काले रंग का नाक, आँख, गले और फेफड़े में ज़्यादा अटैक करता है, और खास करके दिमाग में भी अटैक करता है, और ये जहाँ भी अटैक करता है उस ऑर्गन को हमारा नष्ट कर देता है, यानी कि ऑर्गन को नष्ट करने से बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण ज़्यादा जाने जा रही है, क्योंकि जो ऑर्गन नष्ट हो जाते हैं वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाते ब्लैक फंगल इन्फेक्शन में। यानी कोरोना हो जाए तो आप बच भी सकते हैं, पर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन में मरने के चांसेस कम से कम 90% है, यानी अगर एक बार हो जाए तो 90% चांसेस है कि आप, बट 10% चांसेस है कि आप बस जाएंगे। कि नहीं हो सकता है ब्लैक फंगस। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार जिन्हें कोविड के समय इस तरह के स्टेरॉइड दिए गए हो जैसे कि डेक्सा मिठाजोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इतिसी, इस तरह की जो स्टेरॉइड दी जाती है उन्हें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जा रहा हो, आईसीयू पर रखे हो, उन्हें हो सकता है, इन लोगों में कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट आदि की दवाइयाँ चल रही हो, उन्हें ब्लैक फंगस होने का ज़्यादा खतरा है। अगर बात करें इसके लक्षण की तो अगर बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, चेहरे में दर्द कर रहा हो या फिर चेहरा सुन्न पड़ जा रहा हो, चबाने में दांतों में दर्द हो, चबाने में तकलीफ़ हो, मुंह से खून आ रहा हो, खांसी चल रही हो, खांसी में खून आ रहा हो, उल्टी हो तो उल्टी में खून आ रहा हो, या फिर अगर कफ निकल रहा है तो कफ के साथ भी खून निकल रहा हो, आँखों में दर्द हो, आँखों में जलन हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार बुखार आ रहा हो, तो ये भी एक लक्षण हो सकती है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की। तो ये सब ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। सांस फूलना, सांस तेज़ी से चलना, हफनी आना यानी कि थोड़ा सा बातें करने में या फिर कुछ भी करने में सांस फूलने लगती हो, नाक जाम रहता हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, तो कोरोना के तो कुछ लक्षण नहीं है, पर साथ साथ ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के भी। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर जाकर संपर्क करें, क्योंकि अगर ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को सही समय पर पहचान कर लिया जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है, बट अगर लेट हो जाए तो फिर लेट हो जाता है।